चलती है भी इस युद्ध से हम लोगों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जिस दिन आईआईटी के इंजीनियरों को हम लोग रोक लगा दिए, 40% से ज्यादा वैज्ञानिक नासा में भारत के आए। अरे बातों में वो दम होनी चाहिए ना जो बंदूक में ताकत ना हो सके। तृतीय विश्व युद्ध से हम लोगों को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, उन्हें इफेक्ट पड़ेगा जो इनके चमचे बन के बैठे हैं। पाकिस्तान, हमको थोड़ा सा भीख दे दीजिए। नहीं, हम लोग वहां से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे हैं तो कहें कि खरीदना है देना है तो दो। हम रूस से S-400 खरीदेंगे, डील हो गया है, रसीद देख लो, छुपा के कुछ नहीं, देना है हेलीकॉप्टर दो, नहीं तो बहुत लोग पड़ल है, लोग बना लेंगे अपने से। जिस दिन आईआईटी के इंजीनियरों को हम लोग रोक लगा दिए नहीं जा सकते हो, उस दिन अमेरिका का हालत खराब हो जाएगा। 40% से ज्यादा वैज्ञानिक नासा में भारत के हैं यहाँ पर। वो अलग बात है कि हमारे देश के नेता जो हैं लोग विदेश विभाग वो बुला नहीं पाते हैं वहां पर, वहां नासा में बुला के रहना चाहिए यहाँ पर। अरे करोड़ों रुपए कमा लेंगे लेकिन मातृभूमि का कर्ज नहीं चुका सके तो स्वर्ग भी नरक के समान है आपके लिए। नहीं समझ में आया यहाँ पे, वहां पे कोई नहीं, बस स्वामी विवेकानंद को एक बार नासा में लेके जाने लायक वहां पे। अरे बातों में वो दम होनी चाहिए ना जो बंदूक में ताकत ना हो सके। उसी दिन रिजाइन मरवा दे ससुरा नासा के वैज्ञानिक से, वापस जहाज में लेते चल चल चलते हो हम यहाँ पे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए यहाँ पे। अरे मातृभूमि भी कोई चीज होती है यहाँ पे, पैसा तो कोई भी कमा सकता है यहाँ पे, क्या ओसामा बिन लादेन के पास पैसा नहीं होगा? बात करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, हो ससुरा मरे से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर पूरी दुनिया इसमें मार देगी हमारा 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 हम अखंड भारत, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जिसको डर लगे तृतीय विश्व युद्ध से लगे, जब तृतीय विश्व युद्ध होगा पूरी दुनिया उलझी रहेगी, भारत बनेगा अखंड भारत, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सोचा प्रथम विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे, द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं जब हम गुलाम थे, आज तो आजाद हैं हम, आज कौन बिगाड़ लेगा हम लोग को? आप लोग तैयार है कि नहीं है? तब तक सब अपने अपने जगह सेटल रहेगा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिएगा ना बाहुबली मूवी देखिएगा, तो जो देवसेना रहती है ना लकड़ी चुनती है 20 सालों से, तो कटप्पा घुसी आ जाता है, कहता है कि 20 साल से कौन सी लकड़ी बटोर रही है, तो घुसी आ जाती है कटप्पा, तुम्हें लकड़ी दिख रही है ये चीता सजा रही हूँ उसके लिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो लोगों को ये विद्यार्थी दिख रहा है, ये सेना है उस अखंड भारत की। जिस दिन ये उतरेगा ना उस दिन इतिहास का भूगोल बदल दिया जाएगा, यहाँ पर पूरा अपना क्या रहेगा अखंड भारत, और इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलने वाला। अरे भैया लड़ना है लड़े जिसको, उससे क्या मतलब है, समझ में आ गया? मगरमच्छ को पानी से डराते हो, हाँ? समुद्रगुप्त अशोक